स्वीडन के राजा कार्ल गुस्ताफ और रानी सिल्विया 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान शाही कपल आज ऋषिकेश पहुंचे, जहां उनका हिंदुस्तानी परंपरा के अनुसार तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद शाही कपल ने राम झूले पर पैदल चलकर मौसम का आनंद लिया और छोटे बच्चों से मुलाकात की। साथ ही गंगा घाट पर दया विग्रह ने राजा रानी से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना कराई और हिंदू धर्म का महत्व भी समझाया। मुख्य पूजा आज की गंगा पूजन थी जी। और क्या क्या कौन कौन सी विधि करवाई हमने? गंगा पूजन में हमने आज बिल्कुल छोटा वाला किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था, तो पंचोपचार पूजा जो कहते हैं, मतलब खाली चढ़ाते हैं द्रव्य पूजा के, वही कराया। और हर एक के समय एक एक मंत्र बोला गया और उसका मतलब बताया गया, इस प्रकार से पूजा कंडक्ट की। कैसा लगा? वो काफ़ी खुश थे, वो मतलब अभिभूत से हो गए थे लगभग कि ऐसे इवेंट में उनको शामिल किया गया। उनके चेहरे से पता चल रहा था और बोल भी रहे थे कि दिस वॉज वंडरफुल, आई ऑलवेज रिमेंबर दिस इवेंट, ऐसा बोल रही थी रानी भी। आपको बता दें कि शाही जोड़ा 5 से 7 दिसंबर तक उत्तराखंड दौरे पर है, जिसके तहत ऋषिकेश सहित हरिद्वार और जिम कॉर्बेट पार्क का दौरा भी करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऋषिकेश से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।